सभी को सादर प्रणाम। मैं पंडित कमल किशोर। तो आज हम जानेंगे देवों के देव महादेव शिव भगवान को प्रसन्न करने के कुछ आसान से उपाय। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्नान आदि करके भोलेनाथ को अक्षत यानी चावल अर्पित करें। ध्यान रहे चावल खंडित यानी टूटा ना हो। प्रतिदिन सोमवार को दूध दही सफ़ेद वस्त्र तथा शक्कर का दान करें। इन चीज़ों का दान करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों में प्रसन्न होते हैं तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। अगर आपको धन की कमी या फिर गरीबी जैसे समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवार के दिन शिव रक्षा स्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर किसी जातक पर पितृदोष का प्रभाव है तो उसे सोमवार की शाम को कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करना चाहिए। इस उपाय से सुख समृद्धि तथा धन धान्य के भंडार भी भरे रहेंगे। किसी जातक में चंद्र दोष हो तो सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर निकलना चाहिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में अक्षत चंदन धतूरा दूध आंख गंगाजल और बेलपत्र आदि चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोला जाता है भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं तथा अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख शांति और खुशहाली लाने के लिए सोमवार के दिन शिव भोलेनाथ को घी शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाएं और उसके बाद उनकी आरती करें तथा नित्य क्रम में भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। धन्यवाद।